इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रमुख एवं पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का सोमवार रात करीब 11:30 बजे कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। वो पिछले कई दिन से एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती थे। 3 दिन पहले ही तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। 2 महीने पहले ही के अग्रवाल जी ने वैक्सीन की दोनों खुराक भी ली थी, लेकिन बीते माह वे संक्रमण की चपेट में आ गए। आपको बता दें कि डॉक्टर के अग्रवाल को साल 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। के अग्रवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बीते 28 अप्रैल को जानकारी दी थी कि वह कोरोना से संक्रमित है। उसके बाद उन्हें एम्स के ICU में भर्ती कराया गया था। इस बारे में आधिकारिक रूप से जानकारी देते हुए कहा गया है कि काफ़ी दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि डॉक्टर के अग्रवाल का 17 मई की रात 11:30 बजे के करीब कोरोना वायरस से निधन हो गया। जब से वह डॉक्टर बने थे, उन्होंने अपना जीवन लोगों और स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर समर्पित कर दिया था।